गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग रिवीजन के अंतर्गत काव्य से पद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हम लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहर द्वारा रचित प्रियप्रवास के पौंडुत्या नामक शीर्षक से एक पद का जो है प्रश्नोत्तर पढ़ा था। उसी कड़ी में आज अगले कवि मैथिली शरण गुप्त, जिनका कैकेयी का अनुताप हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उससे कुछ पदों पर आधारित प्रश्नोत्तर को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें पहला पद है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। चलिए हम लोग सीधे पाठ पर आते हैं। यहां से है, दुर्बलता का ही विशेष चिन्ह शपथ है से लेकर के है, लास्ट में निज रह सका निज विश्वासी तक। तो इसमें देखिए प्रश्नोत्तर दिया गया, प्रश्न पूछे गए हैं, ये आपका टेस्ट है, दुर्बलता से संकेत अंक संकेत भरा हुआ है, दुर्बलता का ही से लेकर के निज विश्वासी तक। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो बहुत आसान है इस प्रश्न का उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी, अगर संदर्भ लिखना हुआ, नहीं तो पाठ का केवल नाम लिखना है तो कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम लिखना है तो मैथिली शरण गुप्त। अगर संदर्भ पूछता है तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत के आठवें सर्ग से हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक में काव्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। अगर संदर्भ पूछा जाता है तो, क्योंकि यहां देखिए पूछा गया है पाठ, प्रश्न है का पाठ का और कवि का नाम लिखना है तो इस तरह लिखना, अगर पद्यांश का संदर्भ पूछ लिया तो संदर्भ इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए यहां व्याख्या ऊपर दी गई है, इसमें ऊपर की चार पंक्तियां दुर्बलता का चिन्ह से लेकर के पुत्र भी है खूं तक, और नीचे की चार पंक्तियां दिया गया है उनका सिरानी, ये उनका सिरानी दिशा दीप्त करती थी, ये चार लाइनें रेखांकित की गई है इनकी व्याख्या करने। तो व्याख्या देखिए पूरी दी गई है, पूरी व्याख्या दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ से है लेकर के कहां तक, मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी। जिन लोगों ने हमारा पहले का वीडियो देखा होगा, क्लास में जो भेजा था उसमें हमने पूरी व्याख्या पढ़ाई है, आप चाहें तो उसको जो है यूट्यूब पे जाकर के देख भी सकते हैं, व्याख्या पढ़ सकते हैं। यहां जो है इस का ही भाग केवल पढ़ने के लिए आपको यहां दिया गया है। तो देखिए यहां व्याख्या दी गई है, यहां से शपथ मनुष्य सौगंध खाना यद्यपि व्यक्त की कमजोरी का प्रमाण है, अर्थात जो सबल होते हैं जो शक्तिशाली होते हैं वो लोग अपनी बात कहने के बाद ही उनकी बात मान ली जाती है, स्वीकार कर ली जाती है, लेकिन जो कमजोर व्यक्ति होता है दुर्बल होता है वह शपथ के द्वारा अपने बातों को प्रमाणित करता है, शपथ खा करके सिद्ध करना चाहता है कि वह सत्य बोल रहा है। तो शपथ माने सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथा मूल अगला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय भी नहीं है।
कि कमजोर व्यक्ति जो है बेचारा कसम खा करके ही अपने व्यक्ति को सिद्ध करने का प्रयास करता है, उसके अतिरिक्त उसके पास कोई उपाय नहीं होता। उसी प्रकार से कैकेयी भी कह रही है कि शपथ खाना यद्य व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, लेकिन मुझे अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई उपाय भी नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे नहीं उकसाया है। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं पद के समान अपने पुत्र को भी खो दूं। मैं कसम खाती हूं कि यदि कोई यह सिद्ध कर दे कि मैं मुझे भरत ने जो है इसके लिए उकसाया था, तो इस कार्य के लिए प्रेरित किया, तो मैं पद के समान जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, उनको मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। कैकेयी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा, मुझे मन की बात कहने में दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। यदि मेरी बात में कोई सार हो तो उसे आप ग्रहण करें, अन्यथा नहीं। यदि मेरी बातों में सच्चाई नजर आती है, कुछ सार अर्थात कुछ ज्ञान की बातें हैं, तो उसमें आप लोग ग्रहण करें, अन्यथा नहीं। अब मेरे लिए संभव नहीं कि मैं पहाड़ सा पाप करके, इतना बड़ा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राय जैसा अर्थात इतना छोटा सा भी पश्चाताप करने का मेरा अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं। अब मेरे लिए चुप रहना ठीक नहीं है, कम से कम मैं अपना पश्चाताप तो कर सकती हूं, व्यक्त कर सकती हूं। जिस क्षण कैकेयी द्वारा ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भी अनुताप न करने पाऊं। थीसा नक्षत्र सस निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कृत्य पर पश्चाताप कर रही थे, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कण के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी, अर्थात ओस की बूंदें पड़ रही थी, ओस पड़ रही थी। लगता था कि जैसे आसमान जो है क्या कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, और चांदनी रात ओस के रूप में आंसू बहा रही है, और नीचे मौन सभा बैठी हुई अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। अंतिम चार लाइनें जो है जो रेखांकित की गई है, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी। उसने अपने अनुताप से, अपने पश्चाताप से उपस्थित जन समुदाय में भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहां था कि वह उसके मन को बदल सकती। वास्तव में उसका ही मन अविश्वासी हो गया था, अर्थात उसे अपने ही मन पर विश्वास नहीं हो पाया। ये रहा आपका रेखांकित, तो इसकी व्याख्या। तीसरा प्रश्न है, वह दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति में निहित भाव स्पष्ट कीजिए। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, इस पंक्ति को कैकेयी ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए पंचवटी में उपस्थित सभा और श्रीराम के समक्ष कहा था, जिसका आशय था कि सौगंध खाना यद्य व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथा मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय शेष नहीं रह गया है, इसलिए मैं कसम खाकर के सौगंध खाकर के यह बात कहती हूं। अगला प्रश्न है, अपने बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र क्या उपाय था, तो सौगंध ही थी, शपथ थी। देखिए इसका उत्तर यहां दिया गया है, अपने बात को प्रमाणित करने के लिए कैकेयी के पास एकमात्र उपाय शपथ खाकर सौगंध खाकर अपनी बात को कहना था। अगला प्रश्न है, अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने क्या कहा, अपने पाप और पश्चाताप के संदर्भ में कैकेयी ने कहा कि मेरे लिए असंभव नहीं है
कि मैं पहाड़ सा पाप करके भी चुप रह जाऊं और राई जैसा छोटा सा पश्चाताप भी न कर सकूं। आगे कहते आते थे, अभी यही मर्दे ही माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय वृद्ध विधाता है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी यह दिया गया था। देखिए इसमें प्रश्न है, कविता का शीर्षक और कवि का नाम तो वही रहेगा जो पहले हमने यहां दिया था, बताया था कि कैकेयी का अनुताप शीर्षक हो गया, मैथिली सोमगुप्त इसके कवि हो गए। अगर प्रसंग लिख संदर्भ लिखना है तो संदर्भ में आप जानते हैं कि पहले जो इसे बताया प्रस्तुत पद्यांश भारतीय संस्कृत के अनन्य पुजारी और महाराष्ट्र कवि मैथिली सोमगुप्त द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत के आठवें सर्ग से हमारे हिंदी पाठ पुस्तक में काव्य भाग में संकलित कैकेयी के अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। व्याख्या यहाँ रेखांकित की गई है माता न कुमाता से लेकर के लास्ट में रहे कुमाता माता। हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने भी अपराध कर ले किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और न ही क्रोध में भर कर वह पुत्र का कोई अहित ही करती है। माँ कभी बेटे का बुरा नहीं करती, इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। परंतु मैंने ये अब तक का जो है लोगों की ये लोकोक्ति थी, लोगों की कहावत, ये कहावत लोगों में प्रसिद्ध थी, लेकिन क्योंकि इतने परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का हित किया है, अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में गुरु माता हूं। मगर मैंने यह सब दुष्कृत अपने आप जानबूझ कर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य विपरीत था जिसने मुझे यह सब कार्य कराया, अर्थात कार्य करने के लिए विवश किया। फिर भी मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, अब तो मेरे दुष्कृत को लोग देख कर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया किंतु माता ही कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर एक नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है भले ही माता कुमाता बन जाए, अर्थात जो पहले की कहावत थी आज के बाद उल्टी हो जाएगी। ये रही व्याख्या। इस पर भी तीसरा प्रश्न है, कहते के अनुसार कहते आते थे अभी यही मर्दे ही माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, इस पंक्ति के माध्यम से कैकेयी ने क्या कहा। तो देखिए, कहते आते थे अभी यह मर्दे ही माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, इस पंक्ति के माध्यम से कैकेयी ने यह कहा है कि अभी तक लोग कहावत के रूप में ये कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने ही अपराध कर ले किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती और न ही क्रोध में अपने पुत्र का कोई अहित करती है। परंतु मैंने तो माता होकर पुत्र और भरत और तुम्हारा दोनों का ही हित किया है, इसलिए मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूं। घा कैकेयी के अनुसार उनसे हुआ पाप किसने कराया, पाप तो हुआ लेकिन किसने कराया। कैकेयी के अनुसार उनसे कोई भी दुष्कृत जानबूझ कर नहीं किया, उन्होंने कोई भी कार्य कोई दुष्कृत कोई बुरा कार्य जानबूझ कर नहीं किया, बल्कि उनका भाग ही उनके विपरीत था जिसने उसे ऐसा अपराध कराया, भाग्य विपरीत होकर उनसे यह विपरीत कार्य कराया। कैकेयी के अनुसार दुष्कृत उनके दुष्कृत को देखकर लोग अब क्या कहेंगे। कैकेयी के अनुसार उनके दुष्कृत को देख करके अब लोग यही कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है भले ही माता कुमाता बन जाए। नरदेही का शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नरदेही का था नर की देह धारण करने वाला अर्थात मनुष्य। अगला इसी पाठ से एक दो पद्यांश और बचे हैं, इनको हम लोग देख लें। बस मैंने इसका बाय मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, निगुल गात्र ही देखा, परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो आज यह बाधा
युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, ने जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा अधिकार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब इसमें प्रश्न है, पहला पाठ के शीर्षक में रचयिता का नाम लिखिए, तो पाठ का शीर्षक हो जाएगा कैकेयी कर्णताप, रचयिता मैथिलीशरण गुप्त। रेखांकित है इसकी व्याख्या, यहां रेखांकित किया गया, बस मैंने पाठ इसका बाह मात्र ही देखा, तो पूरी की व्याख्या देख लीजिए। मैंने अपने इस पुत्र, कैकेयी कहती है, मैंने अपने इस पुत्र भरत का मात्र ऊपरी शरीर, बाह्य रूप मैंने भौतिक रूप ही देखा, बाह्य शरीर ही देखा, मैंने उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। हार्ट इंटरनल ऑर्गन है जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं उसके हृदय को नहीं देख सकी, अर्थात हृदय की गहराई को नहीं समझ सकी। मैंने इसके कोमल बाह्य शरीर को ही देखा, मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को न देख पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा। इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त हो गया है, बाधाओं से भरा हुआ है। युग युग तक संसार में कहानी चलती रहेगी कि वह कुल में एक अभागे रानी थी। प्रत्येक कहते हैं निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा अधिकार, उसे था महास्वार्थ ने घेरा। प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब यह मेरी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। व्याख्या के बाद अगला प्रश्न है, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में भी थी एक अभागी रानी, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति का भाव देखिए, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रकुल में थी एक अभागी रानी, इस पंक्ति का भाव कैकेयी ने इस कथन में निहित है कि उसने अपने जीवन में इतना अधिक गंभीर अपराध किया है कि युग युग तक सारा संसार इस कहानी को सुनता रहेगा, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। राजा रघु के कुल में, राजा रघु के कुल में एक ऐसी रानी ने जन्म लिया था, एक ऐसी रानी थी जो सर्व वैभव संपन्न होकर भी बहुत अभागी थी। अगला प्रश्न है, कैकेयी के अनुसार उन्होंने भारत भारत लिखा, भरत गलत छप गया है। कैकेयी के अनुसार उन्होंने भरत में केवल क्या देखा? कैकेयी के अनुसार उन्होंने भरत का मात्र बाहरी रूप, ऊपरी ही रूप देखा था, वे अपने दृढ़ पुत्र के हृदय को, अपने पुत्र के दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई, उन्होंने भरत की कोमल गात को ही देखा और उसके स्वरूप में केवल अपना स्वार्थ ही साधा, उसके हृदय के परमार्थी रूप को नहीं देख पाई। अगला प्रश्न है, अन्या कैकेयी के शब्दों में प्रत्येक जन्म उनकी आत्मा क्या सुनेगी? कैकेयी के शब्दों में प्रत्येक जन्म उनकी आत्मा यही सुनेगी कि धिक्कार है उस कैकेयी रानी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था, वह स्वार्थ के वशीभूत होकर के इतना बड़ा अपराध कर बैठी। प्रस्तुत अध्यांश में किन किन पात्रों के बीच संवाद हो रहा है? तो प्रस्तुत पद्यांश में राम और कैकेयी के बीच संवाद हो रहा है। दृढ़ हृदय और मृदुल गात्र शब्द से किसकी ओर संकेत है? तो भरत की ओर है। दृढ़ हृदय और मृदुल गात सबसे भरत की ओर संकेत है। अगला प्रश्न, कैकेयी के किस पात्र को महास्वार्थ ने घेर लिया था? तो जय कैकेयी को महास्वार्थ ने घेर लिया था, जय। अगला प्रश्न, युग युग तक कठोर कौन सी कठोर कहानी चलती रहे? युग युग तक कठोर यह कठोर कहानी चलती की रहे कि रकुल में एक अभागी रानी थी जिसका नाम कैकेयी था। रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर क्या सुनना पड़ेगा? रानी कैकेयी को जन्म जन्मांतर तक क्या सुनना पड़ेगा कि कैकेयी को धिक्कार है जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। गात्र शब्द का अर्थ स्पष्ट किया, गात्र का होता है शरीर, अर्थात गात्र शब्द का अर्थ है शरीर। एक पद और देखते हैं लास्ट,
हालाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुएसी कहा यहां कमाया मैंने, से लेकर के तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। क्योंकि राम से कहती है, अब देखिए इसमें पहला प्रश्न है पाठ का नाम और कवि का नाम। जैसा कि पहले जानते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या, इसमें रेखांकित अंश नीचे का है पर वही आज दिन हुआ रोता है, लेकिन पूरी की व्याख्या देख लीजिए। कहते हुए कहा कि हे राम, मैंने आज अपने उस पर भरत को, उस पुत्र भरत को भी खो दिया है जिसके लिए मैंने ऐसा दुष्कर्म किया। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से अपयशी प्राप्त किया है। मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया था, उसी के कारण मैंने तुम्हारा तक अधिकार अर्थात राज्य भी तुमसे छीन लिया था। वही पुत्र आज दीन हुआ, दीनहीन होकर रुदन कर रहा है। वह पकड़े हुए हिरण की भांत सबसे भयभीत है, संकित सबसे हृत धृत हरण तुल्य होता है। अर्थात वह पकड़े हुए हिरण की भांत सबसे भयभीत है, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगारे के समान प्रचंड हो रहा है। इससे बढ़कर दंड मुझे भागी मां के लिए क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है, अतः मुझे और दंड न दो। यह रही व्याख्या। अब अगला प्रश्न है, कैकेयी ने भरत को खोने के संदर्भ में श्री राम से क्या कहा। कैकेयी ने भरत को रोकने के संबंध में, खोने नहीं है, देखिए गलती से रोकने के संदर्भ में है, यहां प्रश्न गलत छप गया है। कैकेयी ने भरत को रोकने के संदर्भ में श्री राम से कहा कि आज मैंने अपने उस पुत्र को, सॉरी प्रश्न सही है, उत्तर गलत दिया है, रोकने यहां नहीं होगा, यहां खोने के संदर्भ में। मैंने आज उस पुत्र को भी खो दिया जिसके लिए मैंने कुकृत किया है, अपने इस कृत से मैंने भयंकर अपयशी प्राप्त किया। कैकेयी ने भरत के रुदन और उसके भय के संबंध में क्या कहा। कैकेयी ने भरत के रुदन और उसके भय के संबंध में श्री राम से कहती है कि आज भरत दीनहीन होकर रुदन कर रहा है, वह आज पकड़े हुए हिरण की बात सबसे भयभीत। अंतिम प्रश्न है, अपने दंड के संबंध में कैकेयी ने अंत में श्री राम से क्या कहा। अपने दंड के संबंध में कैकेयी ने अंत में श्री राम से कहा कि इससे बढ़कर दंड मुझे अभागी मां के लिए और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित है और आप मुझे इससे बड़ा और दंड न दे। यहां हम लोगों ने कुल तीन पदों का जो है प्रश्नोत्तर का अभ्यास किया। आप लोग दो तीन बार वीडियो चला करके इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। इस पाठ से अगर आता है तो इनमें से जरूर आपको ये व्याख्या और ये प्रश्नोत्तर मिल सकते हैं, इसलिए इसका अभ्यास परीक्षा की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके आगे का पाठ कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।